मी टू मूवमेंट जो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जो लोग अब बाहर सामने आ रहे हैं और खुल के अपनी बात रख पा रहे हैं? यार ये बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है. बहुत ही काफ़ी एक्विजिशंस जो मैंने सुने हैं मैंने पढ़े हैं. इट्स मोर देन हार्ट ब्रेकिंग, इट्स रिडिकुलस इन द सेंस इट जस्ट पुट्स यू ऑफ. मतलब आपको इतना सब पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब कैसे इतने समय तक छुपा रह गया और क्या. और कई बार ऐसे डाउट्स भी आते हैं कि क्या ये सब सच है. सो आई रियली होप एंड प्रे कि ये जितनी भी एलिगेशन जिन जिन लोगों के अगेंस्ट आ रहे हैं वो अगर सही साबित हो, जो डेफिनेटली सही साबित होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की एलिगेशंस आ रही हैं, और अगर वो सही साबित हो तो डेफिनेटली अगर द अक्यूज्ड इज़ अ कल्प्रिट और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो दे शुड नॉट बी यू नो हैविंग एन एस्केप रूट. दे कैन नॉट इसको बस बिकॉज दे आर इन पावर बिकॉज हुएवर दे आर दे कैन नॉट जस्ट वॉक ओवर दिस. तो आई जस्ट थिंक कि एक तो ये हिस्सा है इसका. दूसरा हिस्सा इसका ये है कि आई जस्ट होप कि क्योंकि ये बहती गंगा में हाथ धोने का बहुत लोगों का काम है तो हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस समय का इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं. तो आई जस्ट होप कि वो ना हो लोगों के साथ. बट जहाँ तक जितनी भी एक्विजिशन सामने आ रही है दे शुड यू नो देर शुड बी यू नो डिटेल्ड प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड यू नो थरो लुकिंग थ्रू द मैटर एंड मेकिंग श्योर दैट दीज एक्विजिशन आर राइट एंड मेक श्योर दैट द कल्प्रिट ऑफ हूएवर दैट मैन इज़ और हूएवर इज बींग अक्यूज्ड इज यू नो पेज फॉर द डीड्स दैट इज डन.